आस्क मुफ्ती तारिक यहूदी और ईसाई से निकाह का हुक्म यहूदी या ईसाई लड़की से निकाह किन सूरतों में जायज है और किन सूरतों में नाजायज है खालिद साहब पेशावर से खालिद भाई आपने पेशावर से बड़ा टेक्निकल किस्म का सवाल पूछा है देखो यहूदी या ईसाई औरत से निकाह एक तो है कि हो जाएगा कि नहीं होगा जैसे आप हिंदू लड़की से निकाह करते हैं ना तो जायज़ नाजायज़ की बहस इसलिए गलत है कि वो निका ही नहीं होगा सौ दफ़ा भी निका कर लें वो कलदम है यानी निका मुनद ही नहीं होगा तो एक तो है कि यहूदी या ईसाई लड़की से निका का इनाद यानी निका वजूद में आ जाए वो आपकी बीवी बन जाए हलाल हो जाए आपके लिए तो इसकी शर्त ये है कि वो वाकई लड़की यहूदी हो या वाकई क्रिश्चन हो ईसाई हो और यहूदी का मतलब यह है कि वो लड़की हजरत मूसा सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानती हो और तौरात को अल्लाह की आखिरी अल्लाह की सॉरी आसमानी किताब मानती हो ये दो काम अगर वो करती है तो वो यहूदी है और उससे निकाह आपका जायज़ है दूसरा ईसाई लड़की से निकाह उस सूरत में जायज़ का मतलब है कि यानी मुनद हो जाएगा निका दूसरा ईसाई लड़की के लिए ज़रूरी है कि वो हज़रत ईसा सलाम को पैगंबर मानती हो चाहे वो बेशक खुदा का बेटा मानती हो खुदा का बेटा मानना तो शिरक है ये तो बहुत बड़ा कुफर है लेकिन इससे वो अहले किताब की फहरिस्त से ख़ारिज नहीं हो जाती और उससे फिर भी निका जायज़ होता है आपका क्योंकि ईसाई तो मानते हैं हजरत ईसा को माज़ अल्लाह अल्लाह का बेटा मानते हैं तो यकीदा तो कुफरिया है लेकिन निका उससे हो जाएगा उस ईसाई से जो हजरत ईसा को अल्लाह का पैगम्बर मानती हो और इंजील और तौरात को अल्लाह की आसमानी किताब मानती हो बाइबल को अल्लाह की किताब मानती हो कि अल्लाह ने आसमानी किताब नाजिल की है क्योंकि आज बहुत से यहूदी या ईसाई ऐसे हैं जो बिल्कुल एथियस्ट हो चुके हैं वो यहूदी नहीं है आप उनसे बात करो हज़रत मूसा का इंकार कर देते हैं वो हजरत ईसा को नबी मानने से इंकार कर देते हैं जो जैसे बहुत से मुसलमान हैं जो नाम के मुसलमान हैं लेकिन वो मुलहद हो चुके हैं एथियस बन चुके हैं तो यूरोप में बहुत से क्रिश्चन बहुत से यहूदी ऐसे हैं जो एतिस्स हो चुके हैं तो उनका फिर यहूदी नाम होना काफ़ी नहीं है बल्कि अकीदा होना ज़रूरी है हज़रत मूसा को अल्लाह का नबी मानते हो, तौरात को आसमानी किताब और ईसाई औरत के लिए ज़रूरी है कि वो हजरत ईसा को अल्लाह का नबी मानती है और इंजील को अल्लाह की किताब मानती हो। तो ये दो शर्तें होंगी तो निकाह करेंगे लड़की से तो निका हो जाएगा आपका रहा ये मसला कि ये अमल जायज़ है या नहीं तो निका तो हो जाएगा बीवी बन जाएगी बीवी हलाल हो जाएगी यानी उससे आपका रिलेशन जायज़ हो जाएगा उससे जो औलाद होगी वो सबितब होगी तो ये सब तो ठीक है लेकिन ये काम करना जायज़ है या नहीं तो इसका मदार इस पर है कि अगर आपको ये ज़रा सा भी ख़तरा हो कि मैंने यहूदी या ईसाई लड़की से निकाह किया तो मेरी औलाद मर्त हो जाएगी यानी वो ख़ानदान इतना इस्ट्रॉग हो कि आपको ये खतरा हो कि मेरे बच्चे उस दीन की तरफ माइल हो जाएंगे यहूदी या ईसाई बन जाएंगे तो फिर आपके लिए यह निकाह बिल्कुल जायज़ नहीं है क्योंकि इस्लाम बच्चे को बाप के ताबे बनाता है बच्चा बहरहाल मुसलमान होगा और वो चर्च में नहीं जा सकता वो मस्जिद ही में जाएगा तो यूरोप में क्योंकि गैर मुस्लिमों का होल्ड है ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए हैं कि ईसाई लड़की से शादी की बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा वो खातून अपने साथ चर्च लेके जा रही हैं और बाप इधर बैठा हुआ है और उसका जहन लड़, लड़की ने ख़राब कर दिया तो ऐसा ख़तरा अगर मौजूद है तो फिर ये निकाह मुनद तो हो जाएगा मगर निकाह का गुना होगा क्योंकि आप अपनी औलाद का ईमान जो है दाव पर लगा रहे हैं या आप ही की जात को अगर खुदा न ख्वासा खतरा है आप कमजोर ही मान के हैं आपने यहूदी या ईसाई लड़की से शादी की पता चला आप ही टहल गए और आप ही ईसाई बन गए यहूदी बन गए तो ये खतरा भी हो तो भी ऐसे ख़तरा मोल लेना इस्लाम इसकी ख़तर ईजात नहीं देता तो अगर ये दो खतरा नहीं हैं तो फिर अल्लाह ने इस निका को हलाल करार दिया है तो पाबंदी लगाने की कि किसी को गुंजाइश नहीं है जब अल्लाह ने एक चीज़ को जायज़ करार दिया है अब मैं एक मशवरा ज़रूर देता हूँ ऐसे लोगों को जो किसी यहूदी या ईसाई लड़की से शादी कर रहे हैं क्रिश्चियन लड़की से शादी कर रहे हैं एक मशवरा मैं ज़रूर देता हूँ मशवरा ये देता हूँ कि भाई पहले ही मुसलमान लड़कियाँ इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि अगर आप गोरी लड़कियों से शादियाँ करना शुरू कर देंगे अमेरिका में यू में और यूरोप में या पाकिस्तान में ही ईसाई लड़कियों से अगर शादियाँ शुरू कर देंगे तो हमारी मुसलमान लड़कियों के रिश्तों में वैसे ही कमी हो रही है बेचारी कहाँ जाएंगी तो इसलिए ये काम वो करें जिसका दो तीन शादियों का इरादा हो अगर आप एक मुसलमान लड़की से शादी करते हैं सॉरी आप एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करते हैं तो फिर एक मुसलमान से भी करें आप ताकि इनका भी तो ठिकाना नसीब हो ना। ये लड़की इनके लिए ईसाई मर्दों से शादी थोड़ी जायज़ है तो अगर सारे मुसलमान इस तरह से या बहुत सारे भी शुरू कर देंगे तो लड़कियों के लिए रिश्ते मार्केट में वैसे ही शॉर्ट है और ख़ालिद भाई आप जैसे नेक लोगों के रिश्ते और शाट हैं नेक इसलिए कह रहा हूँ कि मसला पूछने रहे वलमा से तो नेक ही होंगे इन शाला तो अगर आप किसी यहूदी ईसाई से कर लेंगे तो पेशावर में पहली लड़कियाँ बेचारी बहुत सारी हैं जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे तो वो आप जैसे एक नेक आदमी से महरूम हो जाएंगी तो लिहाजा आप फिर चार शादियाँ करें एक यहूदी एक ईसाई एक पेशावर में कर लिया आपने और एक चॉइस आपके पास होगी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मुसलमान से कर सकती हैं सॉरी कर सकते हैं ठीक है तो दो शादियों का जिसका प्रोग्राम हो ना उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि एक वहाँ कर ले तो एक यहाँ कर ले जिसका एक ही का इरादा है उसको फिर यही तरगीब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी असल तरगीब है भी दीनदारी को तरजीह दी जाए दीनदार लड़की को तरजीह दी जाए अपना मुस्तकबिल दाव पर लगाने से जो है ना इंसान को बचना चाहिए हाँ किसी को ज़िना का खुदा नख्वा ख़तरा हो यूरोप में रह रहा है मुसलमान लड़की का रिश्ता ही नहीं मिल रहा तलाश के बावजूद और ख़तरा है कि वो ज़िना कर लेगा उस पर तो फिर वाजिब है कि भाई जो रिश्ता भी मिलता है वो कर ले कम से कम अपने आप को जिना से बाहर हाल बचाए वो तो फिर वो यहूदी या ईसाई से भी कर ले इस मजबूरी में तो इनशाला उसको गुना नहीं होगा क्योंकि उसने अपने आप को जिना से बचाने की कोशिश की है